बीजेपी के नेतृत्व में रहा 4 बार का शासनकाल है और इस दौरान बीएसपी ने प्रदेश के विकास व जनहित के असंख्य ऐतिहासिक कार्यों को करने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी विभिन्न स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिसे विरोधी पार्टियां अभी तक भी आसानी से हजम नहीं कर पा रही हैं। ये सब किसी से छिपा नहीं है और आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीएसपी के लोग जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर अपने ऐसे महान व्यक्तित्व व मसीहा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो उनका मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ साथ यह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में संकीर्ण व जातिवादी सोच रखने वाली ऐसी पार्टियां व संगठन आदि भी हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच व संघर्ष का हमेशा विरोध किया है तथा उनकी घोर उपेक्षा भी की है, लेकिन अब वे अपने राजनीतिक हित के लिए दिखावटी व बनावटी प्रेम के रूप में मजबूरी में उन्हें याद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यह उनकी इसी मजबूरी का ही नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी स्थापना के बाद से ही देश में टूटे व बिखरे पड़े हुए करोड़ों दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस पार्टी ने बाबा साहब की सोच के मुताबिक चलकर इनको इनके वोट की शक्ति व राजनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करके उन्हें उनके अस्तित्व तथा उन्हें गुलाम मानसिकता से भी काफ़ी कुछ आज़ादी दिलाई है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल जान से चाहने वाले उनके खासकर वह बीएसपी मूवमेंट से जुड़े करोड़ों लोग देश भर में आज उन्हें केवल नमन व याद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अति महत्व आकांक्षी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाते रहने का संकल्प भी ले रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बीएसपी का संघर्ष व मुख्य लक्ष्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अति महत्व आकांक्षी आत्मसम्मान व स्वाभिमानी मूवमेंट तथा उनकी समतामूलक व न्यायपूर्ण सोच को देश में जिंदा रखने व उसे आगे बढ़ाने का मूवमेंट भी है, जिसे कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और ये कारवां बाबा साहब का और ये कारवां न रुकने वाला है और ना ही झुकने वाला है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चट्टान जैसे मजबूत इरादों की तरह पत्थर काट कर अपना रास्ता खुद बनाने वाला है, जिसके नेतृत्व पर लोगों को हमेशा पूरा विश्वास रहा है। परंतु दुख इस बात का भी है कि कुछ लोग व संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को बांटकर बाबा साहब की मूवमेंट को कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। हालांकि उन सब का स्वार्थ फिर चुनाव के बाद उन्हें पैदल करके फिर से ऐसा छोड़ देते हैं कि वे ना घर के रहते हैं ना घाट के, लेकिन इन सब के बावजूद भी बीएसपी को अपने लोगों की भरपूर लगन, मेहनत व मिशनरी संघर्ष पर पूरा भरोसा है कि वे विरोधियों के इन सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का डटकर मुकाबला करते हुए अर्थात सामना करते हुए अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और फिर इस बार सन 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सन 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार बनेगी। साथ ही इसी चुनाव में यूपी से लगे उत्तराखंड स्टेट में भी
इस बार BSP अपना बेहतर रिजल्ट लाएगी। इसके साथ साथ पंजाब स्टेट में भी अपने गठबंधन की मजबूत सरकार जरूर बनाएगी। और अब अंत में, पूरे देश भर में BSP के सभी लोगों की तरफ से भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्ग में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु व BSP मूवमेंट के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी दिल से नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। गोपी भाई, केवल रिलीज करना, फटाक ले जाएं। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से, सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग तो, लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो BSP को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। ये तो UP की जनता अच्छी प्रकार से देख रही है, और ये भी जनता को मालूम है कि ये गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको। लेकिन अभी कल मैं देख रही थी चंदौली में, तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है, ये हाल है। तो जनता क्या देख नहीं रही है? तो इसलिए चाहे गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, जनता को ये मालूम है कि सपा के शासनकाल में तो गुंडागर्दी, माफिया गर्दी चरम सीमा पर थी, और BSP के शासनकाल में हर मामले में, हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज चलता था। तो ये भी आप लोगों को मालूम है, मीडिया बंधुओं को अच्छी प्रकार से मालूम है। चाहे आज भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम कानून द्वारा कानून का राज कायम करके चल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता। UP में 75 जिले हैं, जिस दिन खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके ऊपर जुर्म जाति किसी न किसी रूप में जरूर होती है। मीडिया को ये लोग मैनेज कर लेते हैं, मीडिया में तो बहुत कम रिपोर्ट आती है जुर्म जाति की, वर्तमान सरकार की भी बहुत कम आती है, आटे में नमक के बराबर। और बहुत ज़्यादा जुर्म जाति हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, देखो उत्तराखंड में BSP अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, और पंजाब में तो हमारा जो है शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन हो गया है, तो वहाँ हम लोग गठबंधन करके वहाँ पर पंजाब स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त को देखना है, केंद्र और सूबे की सरकार को देखना है कि वो क्या गाइडलाइंस तैयार करते हैं। और मेरा तो यही कहना है, जो भी गाइडलाइंस आती हैं तो उसके हिसाब से जनता को चलना चाहिए, क्योंकि ये जो तीसरी बीमारी है तो ये फिर से मुंह फाड़े हुए हैं, और है कोरोना नया रूप है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरी तो यूपी की जनता से नहीं, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, तो उनको भी मुख्य चुनाव आयुक्त की, केंद्र की सरकार की, वहाँ के
जो राज्य सरकार है उनके जो भी गाइडलाइंस आती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं जब आएगा तो तब इस सवाल का जवाब पूछना, अभी आया किधर है। भविष्यवाणी पहले करते, जबरदस्ती आप जो है तो केंद्र सरकार को तैयार कर रहे हैं कि वो जल्दी से वो ये कानून ले आए, नियम बना दे। अब सपा वाले क्या कहते हैं, चंदौली में नहीं देखा है,